नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को विष्णु सहस्रनाम के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका समय क्यों बुरा चल रहा है, इसका भी कारण पता नहीं है। या फिर अगर मान लीजिए साढ़े साथी शनि की ढैया या फिर राहु केतु इन सब की अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो जीवन में उथल पुथल होना काफी स्वाभाविक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सूर्य भी नीच का है तो आपके जीवन में यश तो नहीं आएगा, बदनामी ज्यादा आ जाती है, लेकिन कभी कभी नीच सूर्य भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। बृहस्पति ग्रह धन और ज्ञान का कारक होता है, तो इससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी असर पड़ता है। अगर बृहस्पति आपके आयत्व में नहीं है या फिर आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर अच्छी कोई आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, तो ऐसे में सारे ग्रहों को कैसे ठीक करें? अलग अलग बीज मंत्र तो जाप कर नहीं सकते क्योंकि इससे दोष लगती है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं, तो हर दिन एक नियम बांध लीजिए जिससे आपको हर दिन की शुरुआत करनी है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को वही चीज बताती हूँ जिससे उनका भाग्योदय होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और साथ में उनके जीवन में यश, प्रतिष्ठा और धन का आगमन होता है। अक्सर जीवन में सुरक्षा होनी बड़ी जरूरी होती है। हम धन तो कमा लेते हैं, यश तो कमा लेते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, तो इसके लिए विष्णु सहस्रनाम आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि इसके पाठ करने के क्या नियम है, लेकिन उससे भी पहले जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। विष्णु सहस्रनाम के पाठ का एक नियम है कि पाठ करें तो शुद्ध उच्चारण के साथ करें। अगर शुद्ध उच्चारण करने में कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ श्रवण करें। श्रवण मात्र से आपको इसके फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गलत चीज करने से अच्छी है कि सिर्फ श्रवण करें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि विष्णु सहस्रनाम में विशेष तौर पर बृहस्पति वार करके यानी कि गुरुवार करके आप पीले कपड़े पहनकर ही शुद्ध तन और शुद्ध मन से ही विष्णु सहस्रनाम का जाप करें या फिर श्रवण करें। इससे भी आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है और प्रसिद्धि भी मिल जाती है। विष्णु सहस्रनाम को रोजाना सुनने मात्र से ही आपके जीवन में शांति का अनुभव आपको होने लग जाता है। ग्रह आपके विपरीत काम नहीं करती बल्कि आपके लिए होकर काम करती है। विष्णु सहस्रनाम हमारे मन और शरीर को तनाव मुक्त रखता है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम व्यस्त हो जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ऐसे में अपने जड़ से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो जड़ से दूर ना हो इसके लिए सिर्फ श्रवण मात्र से विष्णु सहस्रनाम का चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। विष्णु के हजार नामों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके जीवन में या फिर किसी भी तरीके का आपने दोष किया है और आपके जीवन में बहुत ही सारी चीजें आपने अनायास ही गलतियां कर बैठे हैं और इसका भुगतान आप कर रहे हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं, तो फिर आप विष्णु सहस्रनाम के हजार नामों का जाप या श्रवण करें। इससे आपके पाप और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लड़के या लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है, शादी में बाधा आ रही है, विपत्तियां आ रही है, ऐसे में इनको रेगुलर विष्णु सहस्रनाम का जाप करना चाहिए, नहीं तो फिर श्रवण करना चाहिए। इससे बहुत जल्द शादी के योग बन जाते हैं। इसके नियमित पाठ से मन से भय, संताप और किसी भी तरीके का तनाव दूर हो जाता है। आपके हर श्लोक में, हर नाम में आपके बुरे ग्रह और नक्षत्र को नियंत्रित किया जा सकता है। बृहस्पति की पीड़ा को भी दूर करने के लिए रेगुलर श्रवण करना या फिर जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा शायद आप लोगों को पता नहीं है कि अगर बुध यानी मर्क्यूरी भी अगर आपके नीच ग्रहों में से है या फिर आपको परेशान कर रही है या फिर इसके कुप्रभाव से आप भुगत रहे हैं, तो विष्णु सहस्रनाम करना काफी बेहदमंद और सरलता के साथ अगर आप इसका पाठ करते हैं तो बुध से जुड़ी हुई समस्याओं को भी समाप्त करने के लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ या फिर श्रवण रोजाना कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह बलवान बनता है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि का विकास होता है और साथ में ज्ञान की बढ़ोतरी होती है।